अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों, आप लोगों ने सिम्पसन कार्टून के बारे में तो सुना ही होगा। लोगों का कहना है कि ये कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं। वैसे बहुत सारी प्रिडिक्शंस तो इनकी सच भी हुई है, जैसे 9/11 का वाकया कई साल पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। कई साल पहले एक एपिसोड आया था सिम्पसन कार्टून का, जिसमें लिबनान में होने वाले धमाके की भी प्रिडिक्शन की गई थी। तो आइए पहले हम वो वीडियो देखते हैं और मैं आपको बताता भी हूँ कि क्या वो सच है या झूठ। Follow me. Any red-blooded flag-feeding American would love the M320. Celebrate the independence of your nation by blowing up a small part. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सिम्पसन एक बंदे से फायरवर्क्स की फैक्ट्री में जाके बम खरीद रहा है ईद मनाने के लिए, मतलब सेलिब्रेशन के लिए, और वो बम उसका फट जाता है और एक बड़ा धमाका होता है। बिल्कुल वैसा ही धमाका जैसा कुछ ही दिन पहले रियलिटी में हुआ है लिबनान के अंदर। अब कई लोगों का कहना है कि ये चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट की गई थी, और बहुत लोग कह रहे हैं कि ये प्रिडिक्शन नहीं, ये बना बनाया खेल है, एक प्लान, असल हकीकत कुछ और ही है। ये जो आपने अभी वीडियो देखी, असल में ये वीडियो एडिटेड है। इसमें इस कार्टून की दो अलग अलग वीडियोस को मिलाया गया है। ये धमाके वाला एपिसोड एक और वीडियो का है। चलिए आपको ये बॉम्ब वाली वीडियो असल में दिखाते हैं। और अब आपको वो रियल वीडियो दिखाते हैं जिसमें धमाका हुआ। गौर से देखिएगा इस वीडियो को। इसमें दिखाया जा रहा है कि सिम्पसन न्यूक्लियर बटन की तरह का एक बटन है जो दबा रहा है और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहा है। लेकिन जो लिबनान में धमाका हुआ था, वो कहा जा रहा है कि फायरवर्क्स की फैक्ट्री में आग लगने की वजह से उसकी टीएनटी धमाका हुआ है। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक ही कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सारा पकड़ा है।